अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ फुरकान जावेद। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आप लोगों के लिए हमने स्पेशल ना सिर्फ ट्रेनिंग सारी, जिसके अंदर हम सारी अमेज़ॉन की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग है, होलसेल है, उसके अलावा पीएल है, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट है और ड्रॉप शिपिंग, मतलब अमेज़ॉन का पूरा आपको एक ही प्लेटफॉर्म से सारी ट्रेनिंग्स मिल सकती हैं। और इसके अलावा एक और चीज़, जो इन्वेस्टर हजरात हैं जो कि हमसे सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारी टीम से सर्विसेज लेना चाहते हैं पीएल बिज़नेस की, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपके साथ डिटेल्स शेयर कर देगी। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों के साथ एक पूरी सीरीज स्टार्ट किया है ड्रॉप शिपिंग की, कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जी हमने कौन से प्लेटफॉर्म को चूज़ करना है, कौन से उसके राइट स्टेट्स का, सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी थी। फिर हमने इस चीज़ का डिसीजन लिया था कि यार हम अमेज़ॉन के ऊपर ही ड्रॉप शिपिंग करेंगे। आज हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं कि यार हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि अमेज़ॉन को ही चूज़ करना है, तो चलिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगला स्टेप ये है कि आपने अब ड्रॉप शिपिंग करनी है तो उसके लिए राइट प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक शेयर की हुई है, प्रोडक्ट हंटिंग का क्या क्राइटेरिया है, तो वो भी आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि आपने राइट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करनी है, विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट आपने करनी है अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं। अगर तो आप मुंह उठा के कोई भी प्रोडक्ट जो कि आपको लगता है कि यार मुझे ये प्रोडक्ट बड़ी पसंद है, मेरे जो मामू चाचू हैं वो कहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट तुम बेचो गोरे को, वो खुशी से लेगा ये प्रोडक्ट, तो पहले इस चीज़ को माइंड से निकाल दें। हमने कोई भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है प्रॉपर मार्केट रिसर्च से करनी है, ठीक है। उसके लिए हम टूल्स को यूज़ करेंगे, वो आगे इंशाल्लाह हम डिटेल में अगले टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो पहले हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमने ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाना है जिसकी मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है, ऑलरेडी इस प्रोडक्ट की बड़ी अच्छी सेल हो रही है, जिस ब्रांड की वो प्रोडक्ट है वो ब्रांड बड़ा फ्रेंडली है, वो आपको बार बार तंग नहीं करता कि भाई साहब मेरे से ऑथराइजेशन लेटर दो फिर ही तुम्हें मैं प्रोडक्ट दूंगा, उसे जस्ट सेल्स से मतलब है कि उसकी सेल इंक्रीज़ हो रही है, तो हमें भी कोई इशू नहीं है। हम ऐसे फ्रेंडली ब्रांड्स की तरफ जाते हैं, उनको हंट करते हैं, उसके हंटिंग का क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से हंट की जाती है, तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं, उसके अंदर आपको पूरा स्टेप बाई स्टेप मैंने गाइड किया हुआ है कि प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है ड्रॉप शिपिंग के लिए। इंशाल्लाह जब हमारी ड्रॉप शिपिंग की सीरीज खत्म होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ एक प्राइवेट लेबल की भी पूरी एक सीरीज लॉन्च करूंगा, जिसमें हम पूरा ए टू जी सीखेंगे कि आपने पीएल किस तरीके से लॉन्च करना है। तो जो लोग सिर्फ वीडियो ही मेरी देख लें तो इंशाल्लाह वो इसी से ही सीख के अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च कर सकते हैं। और अगर किसी को हमारे से प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि यार मैं पर्सनली उनको ट्रेनिंग दूँ, तो आप हमारी ट्रेनिंग के अंदर भी इनरोल हो सकते हैं। प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करनी है विनिंग प्रोडक्ट आपने, उसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं कीपा। उसके थ्रू हम पूरी रिसर्च करते हैं कि यार ये जो ऑलरेडी ड्रॉप शिपर्स अमेज़ॉन के ऊपर बेच रहे हैं, ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उनकी हम सेलर आईडी को पिक करते हैं, कीपा में जाकर एंटर करते हैं, उससे हमें उनकी सारी लिस्ट मिल जाती है कि यार ये किस किस ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम बारी बारी इवेलुएट करते हैं। हमने क्राइटेरिया डिज़ाइन किया होता है कि यार 90 डेज़ के अंदर अगर इसकी इतनी सेल हो रही है तो हम इस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, अगर इसका रिस्पांस रेट इतना अच्छा है तो हम इस प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे, इसके रिव्यूज़ इतने अच्छे हैं, इसकी रिव्यूज़ रेटिंग 95+ है परसेंटेज में, तो हम इस प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे। तो बेशुमार इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जो कि अगले टॉपिक्स के अंदर मैं डिटेल में इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगा। तो अगर हम इन फैक्टर्स को अच्छे तरीके से फुलफ़िल कर लें, हमें टूल्स यूज़ करने आते हों, उसके अंदर से प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी आती है, वो विनिंग प्रोडक्ट जिसके अंदर ना तो अमेज़ॉन डोमिनेंट हो ना उसके अंदर अमेज़ॉन अवेलेबल हो स्टॉक उसका, तो क्योंकि एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर अमेज़ॉन के पास स्टॉक अवेलेबल है तो ज़्यादा सेल्स जो है वो उसके पास चली जाती है, क्योंकि अमेज़ॉन का अपना प्लेटफॉर्म है तो वो खुद ज़्यादा सेल्स ले लेता है। तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करते हैं जिसके अंदर अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक होता है, उसके अंदर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाती है कि हम सेल्स ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं, हमें ज़्यादा उसके अंदर प्रॉफिट हो सकता है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करके हम अमेज़ॉन पर लॉन्च करते हैं तो हमें उसके अंदर बड़ा अच्छा रिटर्न मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर हम और डिटेल के अंदर जाते जाएंगे और हर टॉपिक को डिटेल में कवर करते जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।